का मसाला। YouTube फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? सब ठीक ठाक हैं? वेल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज थोड़ा सा बिज़ी हूँ बिकॉज़ मेरा छोटा जो बेटा है मोहम्मद अली, उसका बर्थडे है एंड आई एम बिज़ी इन द किचन कुकिंग। उसका बर्थडे था 22nd of February को, लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि वीक डे था, लेकिन फिर वीकेंड का इंतज़ार था और जब तक वीकेंड आया तो आज फिर संडे आ गया है, लेकिन सुबह फिर बच्चों का स्कूल है, लेकिन हम आज ही उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई जस्ट वोक अप जस्ट तो नहीं, तकरीबन हो गए हैं 2-3 घंटे मुझे उठे हुए, और मैंने उठ के जौन सा है वो किचन में काफ़ी काम भी कर लिया है। चिकन जिंजर नहीं बनाया आज मैंने, मखनी अचारी हांडी, यस आज मैंने बनाई है मखनी अचारी हांडी, और साथ में बना रही हूँ बिरयानी, और साथ बनाऊँगी मटन का सालन, और साथ बनाऊँगी तीसरा और सालन, दो सालन हो गए, एक चावल हो गए, ठीक है। और क्या बनाऊँगी और बनाऊंगी सैलड्स, और बनाऊंगी रायता, ठीक है। और बस 3-4-5 चीज़ें ये बना रही हूँ, ठीक है। अभी जब टेबल लगेगा तो फिर चलेगा पता कि मैंने क्या क्या कुक किया है। सो यस, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और उसको शेयर कर दें अमंग योर फ्रेंड्स, इट वुड मीन अ लॉट। और स्टे ट्यून्ड, मैं किचन में आप लोगों को लेके जाती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, मैं नाश्ता करने लगी हूँ, उस वक्त बजे हैं 2:30, और मैं अब टोस्ट रख कर आई हूँ टोस्ट करने के लिए टोस्टर में, और साथ में मैं चाय बना रही हूँ, तो मैं पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर जो है ना वो मैं बाकी कुकिंग रिज्यूम करूँगी। मेरी हांडी जो है वो बन रही है, चारी हांडी जो है, मलाई का उसका बिरयानी का मसाला भी बन चुका है, अब मटन का सालन बनाने लगी हूँ, उसको वो प्याज से मटर काट रहा है तो बस वो काट के फिर मैं डालती हूँ, ठीक है। और यस, ये है मेरी मखनी अचारी हांडी, ठीक है, वो बहुत अच्छी आ रही है। देन दिस इज बिरयानी का मसाला, ये चाय का पानी उबल रहा है, एंड दिस इज द वाटर फॉर चावल्स, और ये मेरे टोस्ट गर्म हो चुके हैं, किचन का ये हालात है इस वक्त। तो यस, अब मैं नाश्ता करूँगी, ठीक है, अब मैं नाश्ता करूँगी, और मैंने आज मसाले भी पीसे हैं, आज मैंने काली मिर्चों की डब्बी भी भरी है पूरी, वाइट पेपर की, ठीक है, देन मैंने इसको भी इसमें भरा है, गर्म मसाला पीसा है, और सारे मसाले थोड़े थोड़े पीसे हैं, ठीक है, साथ साथ ये काम भी हो गया। अब मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर बाकी कुकिंग जो है ना उसको रिज्यूम करूँगी, तो ये मेरा बिरयानी का तसला है। सो अब मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए, ठीक है, मुझे ना आज अपनी एक आँख बड़ी और एक छोटी लग रही है, पता नहीं। अच्छा चलो, अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ, नाश्ता में ये करने लगी हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी, 2 टोस्ट और उसके मैं लगाऊंगी जैम, और साथ में पीऊँगी चाय, ठीक है, क्योंकि अंडा जो है ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है खाने का, क्योंकि अंडे खा खा के मेरा दिल भर गया, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरा अंडा खाने का दिल नहीं करता है नाश्ते के टाइम, क्योंकि मैंने पिछले 3 महीने सिर्फ अंडे ही खाए हैं जब मैं कीटो डाइट कर रही थी। सो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग अंडाज, और मैं नाश्ता करने लगी हूँ, केक भी आ चुका है, उसका भी मैं एक ग्लिम्प्स दिखाती हूँ। ये आ गया जी मेरा नाश्ता, दीद और द टोस्ट, और ये आ गई मेरी चाय, और इस पर मैं लगाऊंगी ये वाला जैम थोड़ा सा, और ये आ गया है केक जो कि ऐसा लगता है, बाकी देखेंगे शाम को। ये आप मेरा दोस्त का चिकन सारा मिल रहा है, बाकी का सारा वो पड़ा हुआ, और ये कुकर मटन जो है वो बन गया। बन चुकी है इमली की चटनी, मैं देती हूँ एक मिनट, ये इमली की चटनी बन गई है, और इसको अब मैं इसके अंदर पोरिंग करने लगी हूँ बाउल में, ये हैं शाही टुकड़े माशाल्लाह फिर भी बन गया, अब इसके मैंने बादाम डालने हैं थोड़े से, तो फिर ड्राई फ्रूट पिस्ता वगैरह देखूँ क्या क्या पड़ा हुआ वो डालती हूँ, तो ये भी डाल, और ये है शाही टुकड़ों की फाइनल चटनी, और कैमरा जो है वो ब्लर है, साफ़ होने वाला है इस वक्त, तो बस अब मेरा ना रोस्ट रह गया स्टीम करने वाला, रोस्ट को मसाला लगाने वाला रह गया, और साथ में सैलड बनाना है मैंने एक, और मैंने बिरयानी को दम लगाना है, बाकी मैंने सब कर लिया। सो ये क्या है मैंने डेकोर, ये मैंने किया है जी डेकोर, बस ऐसा ही मुझे आया करना आज।
एंड दिस इज हाउ आई हैव लेड द टेबल. ये होती है होम प्रोडक्शन, घर में बैठ के ऐसा ही बस होता है विद ऑल द अवेलेबल थिंग्स. एक मैंने थीम वाला पैकेट खरीदा था, उसका थीम वाला कार्ड वाली, एंड यस एंड दिस इज हाउ आई हैव लेड द टेबल. सो यस. बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ना मुझे याद आया कि मैंने गुडी बैग से बनाई नहीं, और अब मैं गुडी बैग से चीज़ें लेने जा रही हूँ. एक तो गेस्ट आ चुके हैं, सो नाउ आई एम गोइंग टू बाय दैट. सो दिस इज हाउ द डेकोर लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. और ये हम सामान ले आए हैं गुडी बैग्स का, सब गेस्ट नीचे आ चुके हैं, और मैं और मोहम्मद अहमद वाला रहे बैठे यहाँ पे गुडी बैग्स पैक कर रहे हैं. सो यस, सब बन गए गुडी बैग्स. अब इनको सेटिंग खरीद ही ला रहा है, मैं जा रही हूँ नीचे. हाँ जी, ये जगह है तो बैठ जी. क्या मैं कहीं जगह है जी. ये है जी मेरे सैलेड्स, और ये है चिप्स फ्राई हो चुके हैं, और ये गार्निशिंग्स हैं फॉर दी सैलेड्स. यहाँ रोज को सेम लगी हुई है, बाकी खाना भी रेडी है, बस गर्म करना है. सब मेहमान भी आ चुके हैं. सो यस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर वन, हैप्पी बर्थडे टू यू. किसने कहा है भाई भाई ये हालात है. सो यस, अब मेहमान जो है वो खाना भी खा चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, और अल्लाह हाफिज बाजी. बस मैं आ रही हूँ आपको अल्लाह हाफिज करने. गिफ्ट सब जो मोहम्मद अली के लिए आए हैं. सो यस, सब मेहमान अब खाना भी खा चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, और अब देखते हैं अब किचन में जाके किचन के क्या हालात के, मेरे सर्वेंट के टेबल का क्या हाल है. तो मैंने आज उठ के नहीं देखा कि मैं बहुत थक चुकी थी, बिकॉज परसों भी मैंने पहले एक बर्थडे बुक डाली है, और आज फिर कल का दिन भी बहुत बिजी गुजरा था. सो यस, अभी देखते हैं. इसको नहीं आ रहा था. चलो वाओ, ये देखो ये क्या है, ये प्रोजेक्टर है मम्मी दादी, तो बहुत अच्छा. वाओ, ऐसा मेरे पास भी होता था. हाँ, टोके भी है भाई जी, बास्केट भी है, चीजें आई है मम्मी दादी के लिए बहुत सारी. आपका ही ना, बैग भी मिला है, और ये बहुत कुछ मिला है मोहम्मद अली का यहाँ पे. आपा
काफी बड़ा सा बुके है, काफी प्यारा है। और बस ये मिला है, और बाकी ये हम उसके बहन भाई हैं हम लोग, तो हमें भी काफी कुछ मिला है। वाओ, मोहम्मद अली अपनी रेंज रोवर वाली मॉडल की गाड़ी के साथ खेल रहा है इस वक्त। ये मोहम्मद अली का मनी बॉक्स खेल रहा है, इसके लिए मोहम्मद अली पैसे डाल रहा है, साथ भाई भी लगा हुआ है पैसे डालने के लिए। और अब मोहम्मद अली गाड़ी चलाने लगा है। रिमोट उधर खड़ा है यार, क्या मोहम्मद अली अपनी रेंज रोवर वाली मॉडल की गाड़ी के साथ खेल रहा है इस वक्त, जो कुछ गिफ्ट मेरी नानी ने दिया उसको। वेरी कूल, वाओ। चलो जी, अब मैंने कपड़े बदल लिए, ठीक है, अब बस सिर्फ मैंने मुंह साफ करना है, घर के हालात ये। सो इसके बाद एंडिंग ब्लॉग का पार्ट जो था वो नहीं शूट हो सका फॉर सम रीजन विद द कैमरा। सो यस, आई होप यू लाइक माय दिस ब्लॉग। मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे दुआएं करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।